तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, एक नया नए नाम के साथ, जिसका नाम है सर्वनाम। चैप्टर नंबर 9। ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 41। सो सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रनाउन। सर्वनाम कहते हैं प्रनाउन। इंग्लिश में हम उसे प्रनाउन कहते हैं और हिंदी में सर्वनाम। ठीक है, प्रनाउन क्या होता है इंग्लिश में? जब हम अपना नाम लेकर कुछ कहते हैं, जैसे कि सरानिया। ओके, आई विल टेक द नेम ऑफ सरानिया। सरानिया लाइक्स टू ईट चॉकलेट। ओके, सो वंस अगेन इफ आई विल रिपीट द वर्ड्स, सरानिया लाइक्स टू ईट आइसक्रीम। सो हाउ मेनी टाइम्स आई विल टेक द नेम? इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक द नेम्स टू टाइम्स। ओके, सो व्हाट आई विल से, सरानिया लाइक्स टू ईट चॉकलेट, शी ऑल्सो लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, लाइक दैट। ओके, सो इन प्लेस ऑफ हर नेम आई विल पुट शी। So that is pronoun, like it, she, they, we, okay, he, she, like that. So Hindi में उसी तरह सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। Same, in the same manner, जैसे English में हम पढ़ते हैं, okay, in the place of noun, we use the words, we replace the words in the place of noun by using he, she, it, they, we. Okay, like that only. हिंदी में भी हम उसी तरह पढ़ते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नवसी ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। आगंतुक क्या कह रहा है? आगंतुक, राजू घर पर है। राजू क्या कह रहा है? मैं ही राजू हूँ। तो उसने क्या कहा अपने नाम के बदले? मैं। उसने क्या इस्तेमाल किया? प्रयोग किया मैं शब्द, मैं अक्षर का। ठीक है, मैं शब्द का। आगंतुक ने क्या कहा? राजू घर पर है। राजू ने कहा मैं ही राजू हूँ। यहाँ पर सेकंड पिक्चर में देखो क्या है, सुरेश एक सज्जन आदमी है। सुरेश क्या है? एक सज्जन आदमी है। तो हमने फिर से सुरेश का नाम नहीं लिया, हमने क्या यूज किया, क्या कहा हमने? वह मेरे विद्यालय का चपरासी है। वह सुरेश की जगह हमने वह लिखा। ठीक है, वह मेरे विद्यालय का चपरासी है। तो हमने बार बार यहाँ नहीं कहा कि सुरेश एक सज्जन आदमी है, सुरेश मेरे विद्यालय का चपरासी है। तो हमने सुरेश की जगह वह लिखा। तो वह क्या है? सर्वनाम। मैं ही राजू हूँ। ठीक है, राजू घर पर है। तो उसने ये थोड़ी कहा कि मैं राजू हूँ। तो उसने क्या कहा? राजू ने मैं ही राजू हूँ। मीता और गीता बहिने हैं। ठीक है, तो मीता और गीता बहिने हैं। फिर यहाँ पर दूसरा शब्द क्या लिखा है? वाक्य गीत गा रही हैं। तो हमने ये नहीं कहा। अरहत पे अटेंशन, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। ओके, आई विल नॉट रिपीट ऑल द थिंग्स अगेन एंड अगेन, सो ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। मीता और गीता बहिने हैं। फिर से हमने ये कहा कि मीता और गीता गीत गा रही हैं। दो बार हमने उनका नाम नहीं लिया, तो उनकी जगह हमने उनके नाम की जगह क्या लिखा है? वे गीत गा रही हैं। मीता और गीता दो बहने हैं और वो क्या, उनके जगह हमने क्या लिखा है? वे गीत गा रही हैं। तो यहाँ पर वे क्या है? वे क्या है यहाँ पर? सर्वनाम। यहाँ पर वह सुरेश एक सज्जन आदमी है, वह मेरे विद्यालय का चपरासी है। वह क्या है? सर्वनाम। आगंतुक राजू घर पर है, तो राजू ने क्या कहा? मैं ही राजू हूँ। तो मैं क्या है? सर्वनाम। ओके, यस अरहत, व्हाट हैपेंड? मैम, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। व्हेन? Now today we will do the exercise of this chapter. Wait, let me see. Wait, let me check, okay? No, I have not completed. I have not started also. This today. No, ma'am, you have started. You have started and I think you have completed two. Okay, yes. And you have finished at Anya person, third person. Okay, yes, from here, yes. Page number 42. Okay, I will do the quick revision of that, okay?
So, we will do research now. Yes, yes, very good, Aras. So, I will do the just a quick revision. So, सर्वनाम के कितने भेद हैं बताओ सर्वनाम के कितने भेद हैं सर्वनाम के सर्वनाम के छह भेद हैं छह भेद हैं यस नंबर वन पुरुष वाचक सर्वनाम निषेच्य वाचक सर्वनाम अनिषेच्य वाचक सर्वनाम संबंध वाचक सर्वनाम प्रश्न वाचक सर्वनाम एंड निषेच्य वाचक सर्वनाम यस वेरी गुड तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है पर्सनल प्रोनाउन जो सर्वनाम बोलने वाले सुनने वाले या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे वह वे आदि वेरी गुड जैसे कि मैं हम तुम वह वे आदि तो यही होता है पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन उपभेद होते हैं जैसे कि उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अन्य पुरुष यस वेरी गुड नौ निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है डेफिनेट प्रोनाउन जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे यह मेरा भाई है वे कौन है यह तथा वे निश्चयवाचक सर्वनाम है यस वेरी गुड तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है जो सर्वनाम निकट मतलब सामने या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कि यह मेरा भाई है जैसे कि ये सामने खड़ा है मेरा भाई और मैं क्या कहूंगी यह मेरा भाई है ये वे कौन है जो दूर खड़े हैं उनके बारे में क्या कहेंगे वे कौन है तथा यह तथा वे निश्चयवाचक सर्वनाम है इसी प्रकार वह तथा ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन जिन सर्वनामों से किसी सर्वनामों के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कोई आपसे मिलने आया है दरवाजे पर भिखारी खड़ा है उसे कुछ खाने को दे दो मैंने जो कहा किसी ने सुना तो नहीं कोई कुछ तथा किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम का क्या मतलब है जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता ठीक है तो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कोई यहाँ पर किसी का नाम नहीं है तो हम सिर्फ कोई कह रहे हैं कोई आपसे मिलने आए हैं तो हम सिर्फ नाम को रिफर करके नहीं कह रहे हैं इसीलिए ये क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम दरवाजे पर भिखारी खड़ा है उसे कुछ खाने को दे दो उसे मतलब हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि क्या खाने को दे दो कुछ खाने को दे दो तो कुछ क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम मैंने जो कहा किसी ने सुना तो नहीं मतलब यहाँ पर भी हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं तो ये क्या है किसी क्या है शब्द ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम अब नंबर फोर संबंधवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम क्या है रिलेटिव सर्वनाम दो गातों में संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे जो सो जैसे वैसे जिसकी उसकी आदि जो करेगा वो सो करेगा जैसा होंगे वैसा काटोगे जिसकी लाठी उसकी भैंस तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है रिलेटिव प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं जो सर्वनाम दो बातों में संबंध जोड़ते हैं जब दो बात होती है उसमें अगर बीच में संबंध जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कि जो सो जैसा वैसा जिसकी उसकी कभी कभी हम कहते हैं ना ये प्रोनाउन प्रोवर्ब कहते हैं जो करेगा सो भरेगा ठीक है तो जो और सो यहाँ पर क्या है हम किसी बात में कुछ जोड़ रहे हैं संबंध जोड़ रहे हैं जैसा बोगे वैसा काटोगे जिसकी लाठी उसकी भैंस तो ये क्या है संबंधवाचक सर्वनाम नंबर फाइव प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है इंटरोगेटिव जो सर्वनाम सभी प्रकार के नामों या सर्वनाम
के साथ प्रयुक्त होकर नो प्रश्नवाचक अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का I am telling the निजवाचक सर्वनाम नो आई एम आस्किंग अबाउट द प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम उसको कहते हैं इंटरोगेटिव प्रनाउन जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे क्या कौन किसे आदि वेरी गुड तो तुम्हारा नाम क्या है आज कौन आ रहा है यस प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न जब हम पूछते हैं किसी से तो प्रश्न पूछने में किया जाता है उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे क्या कौन किसे आदि तुम्हारा क्या नाम है आज कौन आ रहा है आज तुमने क्या किया ठीक है तो ये क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम नौ निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रनाउन तो सर्वनाम सभी प्रकार के नामों या सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होकर अपने आप या सर्वनीय का बात करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है जैसे मैं यह सवन कर रहा हूँ कर लूंगा वह यह काम सवन कर लेगा स्वयं कर लेगा यस वेरी गुड व्हाट हैपेंड सोमक सोमक व्हाट हैपेंड अरे टॉक वन टाइम हिंदी हाँ व्हाट्स हैपेंड सेवन सोमक मैम माय फोन चार्ज इज वेरी लो कैन आई लीव How much charging is left? Ma'am, 35. 35? Yes. So how you will see then when I will explain? What, ma'am? It is necessary, you know, always you should charge first, okay? Go and keep your phone on the charging. Go and just... Never do that, okay? Before class, you should always charge your phone. Keep your phone charging that time, okay? Keep your phone on charge and don't do like that. Okay, Somak. You can leave now. Harnesh, yes, what happened? Harnesh? Jo sarvanam sabhi prakar ke namo ya sarvanamo ke saath prayukt hokar अपने आप या स्वयं का बोध कराता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है जैसे मैं यह स्वयं कर लूंगा जब हम कहते हैं ना कि मैं ये खुद कर लूंगा स्वयं मतलब खुद मैं ये अपने आप कर लूंगा यह वह यह काम स्वयं कर लेगा वह यह काम अपने आप कर लेगा ठीक है मैं इसे अपने आप उठा लूंगा अपने आप चला जाएगा मैं खुद यह पत्र लिखा इसे खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी तो ये जब हम अपने बारे में अपने आप कहते हैं कि मैं ये खुद कर लूंगा मैं ये स्वयं कर लूंगा मैं ये अपने आप कर लूंगा तो इसे क्या कहते हैं निजवाचक सर्वनाम अंडरस्टूड एवरीवन आई होप यू ऑल अंडरस्टूड याद रखिए पुरुषवाचक आप आदर सूचक है तथा निजवाचक आप निजता सूचक है संज्ञा की भांति सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं मैं क्या है एक वचन है जिसका बहुवचन है हम मैं का बहुवचन क्या है हम इसी प्रकार वह का वे है तथा यह का ये है ठीक है इसमें भी बहुवचन होते हैं संज्ञा की भांति सर्वनाम के साथ भी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है कारक चिन्ह जुड़ जाने पर सर्वनामों के रूप में परिवर्तन आ जाता है केवल सात कारक चिन्ह ही सर्वनाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम का संबोधन कारक नहीं होता विभिन्न सर्वनामों की रूप रचना नीचे प्रस्तुत है क्या है मैं उत्तम पुरुष के रूप देखो मैं के क्या रूप है कर्ता कारक क्या है कर्ता एक वचन क्या है मैं मैंने और बहुवचन उसका क्या होगा हम हमने कर्म कारक मुझे मुझको हम हमको ठीक है मुझसे करण कारक का मुझसे मेरे द्वारा उसका बहुवचन क्या है हमसे हमारे द्वारा संप्रदान मुझे मुझको मेरे लिए
उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? हम, हमको, हमारे लिए। अपादान, मुझसे अलग होना, हमसे अलग होना, ठीक है, अलग होना मतलब मुझसे, हमसे। संबंध, मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारे, हमारी। उसका बहुवचन क्या होगा? मेरा, मेरे, मेरी का हमारा, हमारे, हमारी। मुझ, अधिकरण कारण, मुझ में, मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर, ठीक है। उसका बहुवचन हम में, हम पर हो जाएगा। अब मध्यम पुरुष, तू के रूप की भी इसी प्रकार होंगे, ठीक है। तू का, तू का, यह कारक क्या है? कर्ता कारक, यह, इसमें, ये एक वचन है, इसके बहुवचन क्या हो जाएंगे? ये, यह का ये, इसने का इन्होंने, ठीक है, यह का ये, इसने का इन्होंने। कर्म कारक, एक वचन, इसे, इसको, बहुवचन क्या है? इनसे, इसको, इनको। करण कारक, इस, इससे, इसके द्वारा, बहुवचन क्या होगा? इनसे, इनके द्वारा। संप्रदान, इसको, इसके लिए, बहुवचन क्या हो जाएगा? इन्हें, इनको, इनके लिए, ठीक है। इससे अलग होना मीन्स इससे, उसका बहुवचन होगा इनसे। संबंध कारक, इसका, इसके, इसकी, तो बहुवचन में क्या होगा? इनका, इनके, इनकी। अधिकरण कारक में देखो क्या है? इसमें, इस पर, तो उसका बहुवचन हो जाएगा इनमें, इन पर। अंडरस्टूड? यह है कारक का रूप, ठीक है। नाउ टर्न द पेज, नाउ टर्न द पेज। अन्य पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक वह के रूप भी इसी प्रकार बनेंगे। तो अन्य पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक में वह जो होता है उसके भी इसी प्रकार रूप बनेंगे। जैसे कौन, प्रश्नवाचक के रूप क्या है? कर्ता, कौन, किसने, कौन, किसने। यस, यस, व्हाट हैपेंड? किसी का बहुवचन होगा किनको, किन्हें, किन लोगों को। करण कारक, किससे, किसके द्वारा, बहुवचन में आने के बाद किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान, किसके लिए, किसको, किनके लिए, बहुवचन में होगा किनके लिए, किन लोगों के लिए, ठीक है। अपादान कारक में किससे और बहुवचन में होगा किनसे। संबंध कारक का, किसका, किसके, किसकी, बहुवचन में किनका, किनके, किनकी। अधिकरण कारक में किस में, किस पर, बहुवचन में किन पर। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ सी, सर्वनाम और लिंग, जब प्रनाउन एंड लिंग मींस सर्वनाम और लिंग का इंग्लिश में क्या कहेंगे? सर्वनाम एंड जेंडर। ओके, लिंग के कारण सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो लिंग के कारण सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। पुलिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक से सर्वनाम, सर्वनामों का प्रयोग होता है। नीचे उदाहरण देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, पुलिंग में क्या है बताओ? पुलिंग में मैं गाता हूँ, स्त्रीलिंग में क्या होगा? मैं गाती हूँ। मतलब सर्वनाम के, लिंग के कारण सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम वैसे ही लिखा रहेगा मगर सिर्फ सेंटेंस बदलेंगे। जैसे कि मैं गाता हूँ, मैं गाती हूँ, हम फल खा रहे हैं, हम फल खा रही हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रही हो, वह यहाँ आएगा, वह यहाँ आएगी, ये, वे कब आएंगे, वे कब आएंगी। तो यहाँ पर सर्वनाम नहीं बदला पर सिर्फ लिंग में थोड़ा सा बदलाव आया है। जैसे कि पुलिंग और स्त्रीलिंग में सेंटेंस में बदलाव आया है लेकिन सर्वनाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मैं, हम, तुम, वह, वे, ये सारे वैसे ही रहेंगे शब्द, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। एवरीवन अंडरस्टूड? से यस और नो मैम? अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम, यस मैम, यस मैम। प्रश्न प्रहर, प्रश्न प्रहर देखो,
उपयुक्त सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान भरिए. ऑल ऑफ यू डू दिस विथ मी इन योर बुक. डू दिस इन योर बुक. डैश आज नया कोट पहनूंगा. क्या होगा, मैं या हम? मैं. वेरी गुड. मैं आज नया कोट पहनूंगा. नंबर टू, यहाँ क्यों खड़ा है? कौन है वह? कौन है? बाहर डैश बैठा है. बाहर कोई बैठा है. बाहर कोई. नंबर फाइव इज कुछ. मैम नंबर फाइव इज कुछ. स्टूडेंट डोंट शाउट. यस अनिश टेल मी. वन विल शाउट. उसे डैश खाने को दो. क्या कुछ या कोई या कुछ? उसे कुछ खाने को दो. कुछ कुछ कुछ. हाँ, सही कथन के सामने टिक तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए. तुम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है. तुम उत्तम व पुरुषवाचक सर्वनाम है. सही या गलत? गलत. तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है. ये है गलत. ऑल ऑफ यू डू. वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है. बताओ. गलत. गलत. यस. स्वयं निजवाचक सर्वनाम है. सही सही. ऑल ऑफ यू डू. कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? सही सही. यस शहजाद, आर्यन. कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है. मैम सही सही. कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है. वेरी गुड. नौसी, सही कथन के सामने टिक लगाइए. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. वेरी गुड. नाउ टेल मी, वह नगर पालिका में काम करता है. इस वाक्य में वह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है. सर्वनाम है. वेरी गुड. अविनाश कौन है? मैं हूँ. इन वाक्यों में मैं क्या है? संज्ञा है, कर्म है या सर्वनाम है? मैं सर्वनाम है. मैं यह काम स्वयं कर लूंगा. इस वाक्य में स्वयं क्या है? संज्ञा, निजवाचक या पता नहीं? निजवाचक. निजवाचक. वेरी गुड. पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद होते हैं. तीन तीन चार या पांच? तीन तीन तीन. पुरुषवाचक तीन होते हैं. वेरी गुड. तीन. Okay, all of you do this one and question answer I will send you later on. Okay, Sapta Panna, have you finished? Ma'am. Yes. All of you finished? Ma'am, in question number ghal tai kata ke saamne tata galat ke saamne theek lagai. ये फाइव इन फाइव नंबर क्वेश्चन दबाते शब्द एक वचन है. इट इज क्रॉस. फाइव. कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है. कोई कोई अनिश्चय तब निकलो. नो दिस इज राइट. कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है. राइट. ठीक है, जैसे कि कोई आपसे मिलने आया था. ठीक है. कोई माय बुक हैज माय बुक हैज रिटन शब्द एक वचन ही. ओके स्टूडेंट,
try to learn nicely, okay? All of you will learn nicely. Wait, I will take your attendance. Don't go anywhere, okay? All of you do it. My book has written very differently. Yes, Aryan, what happened? I have completed writing. Very good, very good. Question answer. I have also completed. Okay, very nice. Question answer I will send you later on, okay? Don't worry. And all of you.